न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। ना कोई पार्टी, ना कोई झंडा और ना ही किसी बड़े नेता का सिर पर हाथ, यह जलवा है रेवाड़ी विधानसभा सीट से निर्दलीय तौर पर पहली बार अपना भाग्य आजमा रहे सन्नी यादव का, जिसने केवल जनता के आशीर्वाद मात्र से बड़े बड़े नेताओं के माथे पर पसीने ला दिए हैं। पिछले 7 सालों से लगातार जनता के बीच रहकर संघर्ष कर रहे सन्नी यादव लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने के बाद जैसे ही शहर के मोहल्ला बाद सिताब राय पहुंचे तो इतना भारी जनसैलाब उनके स्वागत में उमड़ पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने जहां अपने चाचा सन्नी यादव के लिए जमकर नारे लगाए, वहीं मोहल्ला वासियों ने फूलों का हार और पगड़ी पहनाकर सन्नी यादव का जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ सन्नी यादव को मंच तक लाया गया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई सन्नी यादव के समर्थन में नारे लगा रहा था। शहर में घुसने के बाद पहली बार इतना जोरदार स्वागत देखकर सन्नी यादव भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए कहा कि यह झोपड़ी और महल वालों के बीच की लड़ाई है। उन्होंने शहर की जनता से वायदा किया कि जिस तरह का प्यार और समर्थन आज उन्हें मिल रहा है, अगर इसी तरह अपना आशीर्वाद देकर लोगों ने उन्हें विधानसभा भेजा तो वे न केवल इलाके की काया पलट कर देंगे बल्कि इस क्षेत्र के विकास में वो आयाम स्थापित किए जाएंगे जिससे बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज तक जो भी नेता जीतकर विधानसभा पहुंचे, किसी ने भी शहरवासियों की समस्याओं को दूर नहीं किया, मगर उन्हें बखूबी पता है कि आज शहर की क्या समस्याएं हैं। विधायक बनते ही इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। देखिए और क्या क्या कहा सन्नी यादव ने। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज ही नहीं की शहर में, मैं कई दिनों से 2-3 दिनों से लगा हुआ हूँ जनसभाएं करने के लिए और हर जगह, चाहे गांव है, शहर है, मोहल्ला है, हर जगह जनता का जनसमर्थन, अपार जनसमर्थन मिल रहा है और निश्चित ही हम एक रिकॉर्ड बनाकर रेवाड़ी से एक नया इतिहास बनाकर जीत हासिल करने का काम, और उसमें कोई कमी नहीं है, परमात्मा का आशीर्वाद है। और ये जब मेरा अकेले का भाग्य इसमें काम नहीं करेगा, जनता ने पूरी ने इकट्ठा होकर फैसला लिया है। इन सब नेताओं से जनता दुखी आ चुकी है, जब सब जन भावनाओं का भाग्य आजमाया जाता है तो परमात्मा भी सुनता है, हमारी जीत सुनिश्चित है, हम ये बांध सकते। मेरे को तो कहीं मुकाबला खड़ा नजर नहीं आ रहा। जिस दिन भाजपा ने अपने कैंडिडेट की टिकट डिक्लेयर की, मेरे को तो उसी दिन से लग रहा है, क्योंकि भाजपा के ए से लेकर जेड तक पदाधिकारी उस भाजपा के कैंडिडेट का साथ निभाने का काम नहीं कर रहे, सरेआम उसकी खिलाफत करने का काम कर रहे हैं। तो परिवार में जब फूट पड़ती है, परिवार बढ़ता है, तो जरूर नुकसान परिवार को ही होता है, दूसरे किसी पड़ोसी को। क्या कुछ देखो मुद्दे तो आप अब हम शहर में खड़े हैं तो शहर की ही बात कर लेते हैं। शहर में आपकी सीवरेज की व्यवस्था, हाउस टैक्स जो लागू कर दिया, जो पिछले 5 सालों के 7 सालों का दोबारा लिया जा रहा है, और आपके सीवरेज की व्यवस्था खराब है, सिविल हॉस्पिटल में गोडे से ऊपर पानी भर जाता है, सिविल हॉस्पिटल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, शहर में कई तरीके की गुंडागर्दी का वातावरण बना हुआ है, बहुत सारी अनेक परेशानियां हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, मुद्दे बताने की जरूरत नहीं, सब जनता अब जाग चुकी है और मुद्दे भी पता है, नेता भी पता है, जनता को किसको चुनना। देखिए अगर मैं राज में होता तो कई बार आदमी मजबूरी में आ जाते हैं कि इसको वोट नहीं देना, परंतु राज में है, पता नहीं अगर जीत जाए तो नुकसान ना कर दे। मैं तो एक आम परिवार का झोपड़ी में रहने वाला इंसान हूँ, अगर मेरे लिए इतना बड़ा जनसमर्थन उमड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इनका प्यार है, और इनका प्यार ये वोट नहीं, ये लाखों की संख्या में वोट को तब्दील करने का काम। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे भाई के साथ इतनी जनता साथ है, कभी मैंने ऐसे किसी के नेता के साथ या किसी के भी साथ नहीं देखी, और ये इतना सच्चा ईमानदार लड़का है कि दुनिया में किसी ने कोई नहीं देखा होगा, और ये सच्चा है जब जनता इनके साथ सच्चाई के साथ है। बेईमानों को तो देखते बहुत साल हो गई, अब सच्चाई का नंबर है, और इनकी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। हमारी जनसभा सफल हुई है और क्षेत्र के लोगों ने भाई सन्नी यादव को जिताने का काम किया है, और भाई जीतेंगे भी इस बार, हेलीकॉप्टर का बटन दबाएंगे और भाई सन्नी यादव को चंडीगढ़ में पहुंचाएंगे, क्योंकि जिस तरह से राव इंद्रजीत में और हमारे ये बीजेपी में जिस तरह का घमासान हो रहा है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है पब्लिक के पास, क्योंकि हमारा भाई सन्नी यादव ही जीतेगा इस बार, और पब्लिक के पास कोई क्षेत्र में विकास कराना है तो भाई सन्नी यादव को जिताना है।
बढ़िया कामयाब जनसभा हुई है, लोगों में इसके प्रति प्रयास है, उत्साह है। मैं इसको लेके यही कहूंगी कि आज तक जैसे जैसे नेता बने, जैसे कप्पन साहब थे, उन्होंने 30 साल राज किया, लेकिन उन्होंने रिवाड़ी के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। अपने अपने घर के लिए क्या, अपने परिवारों के लिए क्या, अपने रिश्तेदारों के लिए किया। इसलिए हम चाहते हैं कि अब की बार कोई नया नेता आए हमारी समाज में। अब नू तो हमारी नज़र में, हमने संजीव प्रसाद भाई साहब को बुलाया है, तो हमारी नज़र में तो यही है।